इंडिया के इलेक्शन को कोई भी पावर इन्फ्लुएंस न कर सके, इसीलिए इलेक्शन कमीशन अब तक कई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ला चुका है। जैसे 1982 में ईवीएम लॉन्च हुआ, 1989 में यूथ वोटर्स बढ़ाने के लिए वोटिंग एज लिमिट 21 से 18 की गई, इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड लाए गए, इलेक्शन डे से 48 आवर्स पहले लिकर सेल बैन की गई, अवेयरनेस के लिए 2011 से नेशनल वोटर्स डे मनाया जाने लगा, 2013 में वोट वेरीफाई करने के लिए वीवीपैट मशीन लाई गई और नोटा इंट्रोड्यूस हुआ। लेकिन अब भी इलेक्शन में बहुत से चैलेंजेस हैं। मनी पावर से इलेक्शन में करप्शन बढ़ चुका है, वायलेंस और क्राइम के दम पर इलेक्शन जीता जाता है, गवर्नमेंट रिसोर्सेज का मिसयूज होता है, लोग वोट तो कास्ट करते हैं लेकिन अपनी कास्ट को, न कि सूटेबल कैंडिडेट को, नॉन सीरियस कैंडिडेट वोट कट करते हैं, ऑफेंसिव बैकग्राउंड वाले भी इलेक्शन लड़ते हैं, लोग वोटिंग डे को हॉलीडे समझते हैं जिससे वोटिंग परसेंटेज काफी डाउन होता है। ऐसे बहुत से चैलेंजेस हैं, इसीलिए आज भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नीड ऑफ द आवर है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के लिए अभी डाउनलोड करें IAS Origin मोबाइल ऐप।